नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं अब आज के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री के महासंवाद में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन। गुरुवार को संजय कम्युनिटी हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे प्रसारण का लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको मुझे एक स्पेशल चाहिए। 2014 में जो हमने वादे किए थे 2019 हमने पूरे किए, लेकिन इस आधार पर आप हमें यहाँ से किस दिशा में ले जाएंगे? बरेली के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर विधायक, सांसद, मेयर सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने बताया। देखिए, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत वार्ता चल रही है और उसमें उन्होंने ये मैसेज दिया है कि जितनी भी सरकारी योजनाएँ जो उन्होंने देशवासियों को दी हैं, अगर हम सभी कार्यकर्ता हर बूथ पर कम से कम 10-10 परिवारों में जाकर ये बताएं कि जो योजनाएं दी हैं उसके बारे में उनसे विस्तार से चर्चा करें और उन्हें जोड़ने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा और वो योजनाओं का लाभ जो लोग ऐसे वंचित रह गए हैं उन योजनाओं से, क्योंकि बहुत सारे हर तरह के लोग हैं हमारे देश में, पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, निम्न वर्गीय भी हैं, मध्यम वर्ग भी हैं, हर तरह के लोग हैं, तो सभी लोगों तक शायद सूचना पहुंचना कई बार मुश्किल हो जाता है, लोग उस सूचना तंत्र तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो अगर हम ये प्रयास करेंगे तो सब लोगों को उन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा जो वंचित रह गए होंगे। आयुष्मान की इतनी बड़ी योजना है, कहीं ना कहीं लोग वंचित रह जाते हैं, तो उनको हम लोग जोड़ने का प्रयास करें, उनको जो कार्ड बनने या जो भी चीज़ें रह गई हैं उन तक पहुँचाएँ, तो निश्चित रूप से भाजपा भी आगे बढ़ेगी और देश भी तरक्की करेगा। दो हज़ार उन्नीस में 2014 से भी ज़्यादा मजबूती से भाजपा सरकार बना रही है और पूरा देश भाजपा के अलावा किसी को देखना भी नहीं चाहता है। वही कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं ने तारीफ करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने किया बैठक का आयोजन। गुरुवार को लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि एमएलसी अमित यादव रहे। सभी ने उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। बैठक का उद्देश्य चुनाव के समय वोटरों को घरों से निकालकर वोट पड़वाने पर चर्चा की गई, जिसमें सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई कि एक भी व्यक्ति वोट डालने छूटना नहीं चाहिए। इस बीच लोगों ने अपने विचार रखे तथा मंथन किया। इस बारे में लोकसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए बताया, मार्गदर्शन होगा, उसका पालन किया जाएगा। आज हम अपने बूथ के चंद लोगों को, जो भी सदस्य हैं उनको लेके आए हैं, क्योंकि मुझे सेक्टर की जिम्मेदारी मिली है, तो उसी के अनुसार मैं आज यहाँ आया हूँ और मैं काम करूँगा सेक्टर के, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारे लोग मीटिंगों में तो आते हैं, मीटिंगों में चर्चा होती है, लेकिन बूथ पे हमें क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उसको अंजाम कैसे देना है, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। ये हमारी जो बैठक है, ये सिर्फ जो हमारे बूथ प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में है और कुछ चुनिंदा बिंदु लिखित में आए हुए हैं, उन्हीं के संबंध में हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करना है। वही सपा बसपा गठबंधन पर पूर्व जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने गठबंधन की तारीफ करते हुए कहा, आज कैंट विधानसभा के सेक्टर और बूथ प्रभारियों की मीटिंग हो रही है और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है और निश्चित रूप से अभी चाहे उपचुनाव की बात रही हो और जनता में जो माहौल बना है गठबंधन को लेके, उसको लेकर बरेली में बड़ा सकारात्मक माहौल है और जब लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें जनपद की जो तीनों लोकसभा सीटें हैं, चाहे बरेली लोकसभा हो, चाहे आंवला लोकसभा हो और चाहे पीलीभीत लोकसभा हो, तीनों जगह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बड़े अंतर के साथ जीत हासिल करेंगे। इस मौके पर पूर्व नगर अध्यक्ष कदीर अहमद, पूर्व सपा मंत्री अताउर रहमान समेत तमाम कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा ने कराया है 22वां युवक युवतियों का सामूहिक विवाह। चरणों में प्रणाम करते हुए,
अखिल भारतीय चित्रांश महासभा बरेली एवं महेश्वरी लक्ष्मी मेमोरियल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय विधायक पप्पू भड़तौल उर्फ राजेश मिश्रा, अरुण कुमार उप महापौर सुप्रिया एरेन, डॉक्टर बासु कपाली बाबा रहे। इस वैवाहिक कार्यक्रम में 20 हिंदू व 2 मुस्लिम का रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि द्वारा सामूहिक जोड़ों को आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर बाहर से आए कपाली बाबा ने बताया, प्रधानमंत्री और मंत्री का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, अंतिम वंचित व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और समाज में एक नई प्रेरणा स्थापित हो, इसके लिए अनिल सिन्हा जी के बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं। सभी लोग इन्होंने समाज में, समाज सेवा में जो अपनी छाप छोड़ी, उद्योग जगत में जो छाप छोड़ी, वो एक सुदूर दिल्ली से आकर यहाँ पर बरेली के बच्चियों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं और मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए समस्त चित्रांश महासभा और लक्ष्मी महेश्वर लक्ष्मी मेमोरियल फाउंडेशन धन्यवाद का पात्र है। आप देख रहे हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समान भाव से बैठे हैं, जैसे लग रहा है एक छोटा सा भारत यहाँ हमारी अपनी खूबसूरती के साथ यहाँ अपनी आभा बिखेर रहा है। वहीं डॉक्टर अरुण कुमार व सुप्रिया एरन ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा, धर्म सर्व जाति है। कितने लोग हैं इसमें? हमारे यहाँ 22 जोड़े हैं, जिसमें 2 मुस्लिम परिवार के हैं, बाकी हमारे विभिन्न जातियों के हिंदू परिवार के हैं। हमने लड़के लड़की में शादी में कोई वो नहीं किया है, सब 1 करोड़, सब जिस तरह से हमारे मोदी जी की 125 करोड़ की बात करते हैं, हमने भी यहाँ पे सर्व धर्म सर्व जातीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया है। बरेली, ये आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि मैं इस सर्वजातीय वैवाहिक सम्मेलन में शामिल हुई हूँ। बहुत खुशी होती है जब खास तौर पे गरीब परिवार की बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। सभी का सहयोग इसमें है और खास तौर पे चित्रांश, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा और महेश्वर लक्ष्मी मेमोरियल फाउंडेशन में इन्हें बधाई देती हूँ। एक बहुत ही सब राजनीति से ऊपर उठकर और अपने अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर जब हम किसी गरीब के लिए काम करते हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ी मानव सेवा कुछ है ही नहीं। वहीं मौजूद डॉक्टर बासु ने कहा, जातीय सामूहिक विवाह जो डॉक्टर अरुण कुमार जी के अध्यक्षता में हो रहा है, ये वाकई बहुत सराहनीय योग है। ये ईश्वर का ये प्रताप है कि जो एक ग्रस्त जीवन जो है सबसे ऊँचा माना गया है, इससे बढ़कर कोई जीवन नहीं होता है, तो ईश्वर की ये महिमा को जो है ये इन्होंने प्रदान किया है और आगे सामूहिक विवाह यहाँ पर आयोजित किया है, बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। और ये आप देखने पर बहुत ही सुंदर लगा कि इन्होंने सब जाति, सब किसी को भी ये नहीं सोचा कि हिंदू के हैं, दूसरे जाति के, तीसरी जाति के, सब जातियों को सबने यहाँ विवाह किया है। सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर में हुई शिव परिवार मूर्ति स्थापना। गुरुवार को सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर में शिव परिवार मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके पर सिविल लाइन्स में स्थापना से पहले शिव परिवार के साथ एक यात्रा निकाली गई, जो सिविल लाइन्स में घूमते हुए मंदिर पर संपन्न हुई। बाद विधि विधान से मंदिर में शिव परिवार मूर्ति को स्थापित किया गया। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर के संत ने बताया, अलगनाथ की ओर से 56 सिविल लाइन हनुमान मंदिर में पुनः भोलेनाथ की प्रतिष्ठा की जा रही है। सब संत महात्मा भगत जनों के सहयोग से आपके हनुमान जी मंदिर में श्री महाराज कालूगिरी महाराज की ओर से, सब भगत लोगों की ओर से ये कार्य सम्पन्न किया जा रहा है। शोभा यात्रा, हवन, पूजन, आहुति। कैमरे की निगरानी में हो रही है बरेली कॉलेज में नकर विहीन परीक्षा। गुरुवार को बरेली कॉलेज में परीक्षा के तीसरे दिन गेट पर ही छात्रों की तलाशी लेने के बाद परीक्षा भवनों में भेजा जा रहा है। साथ ही इस बार भी कैमरे की निगरानी में बरेली कॉलेज में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। कक्ष निरीक्षक ही नहीं, इस बार सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम से छात्रों पर नजर रखी जा रही है। तीनों पालियों में सचल दल के लोग सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिससे कॉलेज में परीक्षा नकल विहीन कराई जा सके। खून से लिखकर की सेना व मोदी की तारीफ। मुस्लिम युवक ने अपने खून से लिखकर वायुसेना एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि हमको आप पर गर्व है। युवा बरेली क्लब के अध्यक्ष गुलफाम अंसारी ने पाकिस्तान में घुसकर देश की वायुसेना ने जो आतंकवादियों को ढेर किया है और जीत हासिल की, उस पर हम देशवासियों को नाज है। हमारा सेना गर्व से फूला नहीं समा रहा है,
हमारे देश की सेना और प्रधानमंत्री से यह कहना चाहता हूं कि जब भी आतंकवाद या पाकिस्तान ऐसी हरकत करे तब तब उसको घर में घुसकर मारे। आज मैंने वायुसेना जो हमारे वायुसेना और प्रधानमंत्री जी का अपने खून से लिखकर शुक्रिया अदा किया है कि जो उसने पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की है और 300 आतंकवादियों को मारा है, इसे मुझे बहुत गर्व है और अपनी वायुसेना पे बहुत गर्व है। आज मेरे दिल जो है फूला नहीं समा रहा, मेरा सीना 56 इंच का होता जा रहा है। तो ऐसा काम उसने कर दिया हमारी वायुसेना ने कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। आज तक इतने लोगों ने, आज तक इतनी सरकारें आई हैं, किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे, माननीय श्री मोदी पे और हमारे वायुसेना पे। और हम चाहते हैं कि वो जब भी ऐसा कुछ हो तो उसके पाकिस्तान के घर में घुस के मारे और उसको ख़त्म करे, जिससे आतंकवाद और पनप ना पाए। और मैं मुसलमान होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि मुसलमान के बारे में हीन भावना होती है, लेकिन हमारे, मेरा खुद एक मुसलमान होने के नाते कहता हूँ कि पाकिस्तान को और जो भी गलत काम करे इस हिंदुस्तान के लिए उसको घर में घुस के मारना चाहिए। और जैसा उसने किया है, मुझे आज बहुत अपने वायुसेना पर बहुत गर्व और सारी सेनाओं पर गर्व है जो इस तरह के अंजाम देती है काम। फिर से पूर्व महिला हिंसा को रोकने की दिलाई शपथ। जगवीर पाल सिंह तुमन शिक्षा समिति के भूता क्षेत्र के आशाओं को प्रसव पूर्व लिंग जांच कर भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आशाओं को शपथ दिलाई। समिति के प्रदेश अध्यक्ष समाज सेवी अधिवक्ता अमित तोमर ने शपथ दिलाते हुए कहा, हम सभी को अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है। किसी की हालत में गर्भ की जांच नहीं होने दी जाएगी और गर्भ में पल रही बेटी को अब किसी भी हालत में नहीं मानने दिया जाएगा। हम सभी भ्रूण हत्या अब नहीं होने देंगे। इस बात की शपथ लेते हुए आशाओं ने अंत में भारत माता की जय के साथ शपथ को पूरा किया। हम सब शपथ लेते हैं कि हम अपने बेटा बेटी को अच्छे संस्कार देंगे। गर्भ में किसी भी बेटी की भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे। जय हिंद जय भारत। आज जनपद बरेली के भूता विकास खंड के आशाओं को भ्रूण हत्या रोकने के लिए शपथ दिलाई गई। यह शपथ विकास खंड की 30 आशाओं को दी गई। इसमें ये भी बताया गया कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भ्रूण हत्या ना होने दें। ऐसा प्रयास जारी रहेगा और आने वाले समय में प्रत्येक विकास खंड में आशाओं को भ्रूण हत्या रोकने के लिए शपथ दिलाएंगे। जय हिंद जय भारत। शपथ लेने में प्रमुख रूप में आशा गुड्डी देवी, सुनीता, अंजू देवी, सीमा देवी, गंगा देवी, सोमवती, रेखा देवी, ममता देवी, रमन पाठक, चंद्रकथा आदि मौजूद रही। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का। इन इंडिया More than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is isotene eye drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son, Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement
to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य यह है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज दी है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रचार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुंचाएं। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ डीआर हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल डीआर अस्पताल, डीआर अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, सामान्य प्रसव, ऑपरेशन द्वारा, प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी, अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली, 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संदिग्ध परिस्थितियों में कैंटीन मालिक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। थाना सुभाष नगर के बंसी नगला निवासी लक्ष्मण गुप्ता का बेटा अरविंद गुप्ता कुदेशा फाटक के पास शराब की दुकान के अंदर कैंटीन चलाया था। मंगलवार को वह घर से कैंटीन पर गया था। रात को वह कैंटीन बंद करने के बाद घर नहीं पहुंचा। इस बीच घर वाले तलाश करने के लिए बाद शिकायत करने थाने गए। इस बीच पुलिस वालों ने बताया कि उसकी मौत हो गई है, उसका शव जिला अस्पताल में रखा है। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है, जिसमें पुलिस की मिली भगत है। पुलिस ने परिवार वालों को हत्या का सही कारण नहीं बताया है। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा, अपने पति को फोन मिलाया, फोन नहीं मिला, ठीक है, फिर मैंने उन्हें देखा था घर में, वो कहीं नहीं मिले। मैंने कंप्लेन लिखवाई थी पुलिस स्टेशन जाके, उन्होंने कंप्लेन नहीं लिखी और डायरेक्ट मना कर दिया, हमें नहीं पता। और मोटरसाइकिल स्टेशन में खड़ी हुई थी चौकी में, उन्होंने कही मोटरसाइकिल यहाँ किसी की नहीं, मेरा भाई छोटे वाले भाई ने पहचाना, बोले ये मेरी मोटरसाइकिल बेची जाती है। वो बोले हमें नहीं पता कैसे आई। हमने उनसे पूछा कोई बंदा अगर लाया है तो तुम उसे बताओ, हम उनसे पूछेंगे कि कहाँ से तुमने मोटरसाइकिल उठाई थी। वो कह रहे हमें नहीं मालूम कुछ। अब मैं उनसे जाके ये पूछूंगी मोटरसाइकिल क्या खुद उड़ के आई थी। कहाँ की पुलिस? किला थाना। और मैंने फिर क्या कहते हैं उनसे, मतलब मोटरसाइकिल मिली, फिर वो बोले थे कि डिस्ट्रिक्ट जाओ, डिस्ट्रिक्ट गए थे तो डिस्ट्रिक्ट मेरे पति के संग कोई भी नहीं था जान पहचान वाला। उन डिस्ट्रिक्ट में सारी मतलब कुंडली लिखी हुई है, उसमें उनका नाम भी लिखा हुआ है लिस्ट में अरविंद, उनके संग कोई नहीं था। अब वो खड़े होकर थोड़ी देर बता देंगे मेरा नाम अरविंद है, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। और हम डिस्ट्रिक्ट पहुँचे तो बोले डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं है। हमने फिर चौंक पूरा फोन बंद था, हम फिर
डिस्ट्रिक्ट गए, डिस्ट्रिक्ट में सब सब लोगों ने के सब और दो दो रंग की बातें कर रहे थे कि अभी नहीं निकल कर आना, क्या बोल रहे हैं? एक जवान नहीं बोले, वो दो नहीं। आपको कैसा क्या पति के साथ क्या हुआ आपके? मेरे पति का मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ, किसी पे शक है? मुझे शक किसी पे नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा लड़ते झगड़ते नहीं। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि डिस्ट्रिक्ट जाओ यहाँ। नहीं नहीं, वो घटना को क्या बता रही है? वो घटना को कह रही है एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट बताए वो कह रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है। और सुबह कह रहे थे, मतलब जब हमें लाश मिली तो कह रहे थे मतलब उससे हुआ है ट्रक से, ड्राइवर भी पकड़ लिया है और ट्रक भी पकड़ लिया है। और अब कह रहे हैं ना ड्राइवर पकड़ा है ना ट्रक पकड़ा है, तो बताओ वो भी उड़ गया। आप बताए पूरी बात बताए क्या है और किसी की शक है क्या? शकी तो पता नहीं भैया, हम तो आपको बताए, हम तो ये चाह रहे हैं कि मतलब पकड़ जाए हमारे, उससे सजा हो, हमारा भाई चला गया। आप पूछते जा रहे हैं पुलिस से कि भैया हमारे जो कौन है क्या है, वो बता रहे हैं कि आपको अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। आपके भाई साथ हुआ क्या है? भाई के साथ तो ऐसा लग रहा है कि मतलब उसको मर्डर हुआ है। इनर वी क्लब ने मनाया अपना 10वां चार्टर डे। इनर वी क्लब के पदाधिकारियों ने 10वां चार्टर डे पर केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने जमकर डांस किया। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर चार्टर प्रेसिडेंट संगीता, गुंजीत, मुक्ता, ज्योति, विनीता, वंदना, रूही, मिन्नी, विमला आदि लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर पदाधिकारी ने कहा, आज इनर वी बरेली सेंट्रल अपना 10th बर्थडे मना रहा है, जिसे हम चार्टर डे कहते हैं। इस दिन हमारे क्लब को चार्टर मिला था 26th of February को। ऑटो रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन ने कलेक्टर पहुंचकर दिया ज्ञापन। लगातार ऑटो रिक्शा चालक अपने परमिट व रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशानी से जूझ रहे हैं। इसको लेकर पिछले दिनों भी संगठन के पदाधिकारियों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी शिकायत का आज तक निदान नहीं हो सका है, जिसको लेकर टेम्पो चालक वेलफेयर के पदाधिकारी व सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने अपनी परेशानी को ज्ञापन के माध्यम से डीएम को देकर अवगत कराया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने बताया, हम लोग आज कमिश्नर महोदय के यहाँ जो है आरटीए की बैठक हो रही है, जिसमें हम सब लोग जो है जिन लोगों के परमिट निरस्त कर दिए हैं वो लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारी इसके अतिरिक्त भी कई मांगे हैं, तो यहाँ पर जो है अभी जो दोहरे नाम की वजह से परमिट रद्द कर दिए थे, तो उस पर जो है एक फाइनेंस कंपनी है उसके मालिक के द्वारा परिवहन विभाग की मिली भगत से ये जो है परमिट जो है दोहरे नाम चढ़ाए गए, जिस पर ऑटो चालकों ने इतराज़ जताया। तो कंपनी के मालिक द्वारा कालरा फाइनेंस कंपनी जो मालिक है उसने कहा कि जो है ऋण अदा कर देंगे तब हम नाम हटा देंगे। वास्तव में ये काम इसलिए किया गया कि उसके व्यक्ति का नाम है तो मालिकाना हक दर्ज है, उस मालिकाना हक दर्ज होने के अंतर्गत वो जब चाहे तब गाड़ी को जब्त कर सकता है, इसी कारण उसने दोहरे नाम चढ़ाए। इसमें जो है परिवहन विभाग की पूरी भूमिका रही है, बिना परिवहन विभाग की मिली भगत के ये दर्ज दोहरे नाम दर्ज नहीं हो सकते। तो क्या आश्वासन दिया आपने कमिश्नर साहब ने आपको? कमिश्नर साहब से इससे पहले हम मिले थे तो उन्होंने कहा आप पूरा विवरण लिख के लेके आए और जो है जो परमिट रद्द हुए हैं उनको हम जो है बहाल करेंगे। तो आज इनकी बैठक है, इसके अंतर्गत हमने 8 सूत्रीय ज्ञापन जो है आज सौंपने की जो है तैयारी की है, जिसमें हमारे जो मांगे हैं मुख्य तौर पर कि जो है कालरा फाइनेंस कंपनी द्वारा जो दोहरा नाम दर्ज किया गया है परिवहन विभाग के द्वारा वो हटाया जाए और वाहन को मूल स्वामी के नाम दर्ज किया जाए। दूसरी डिमांड है कि जो ऑटो चालक कभी बीमारी के चलते या कर्ज के चलते तमाम उसमें परेशानी में फंस जाते हैं तो उन्हें ये अधिकार होना चाहिए कि हम अपने ऑटो को बेच सकें और ऑटो बिक्री के बाद शेष परमिट के साथ में क्रेता के नाम होना चाहिए। तीसरी समस्या ये है कि जो स्टेशन जंक्शन है वहाँ पर प्रीपेड बूथ लागू नहीं है, कई सवारियों के साथ में चोर डकैत आ जाते हैं, वो जो है गाड़ियों को ले जाते हैं और उन गाड़ियों को ड्राइवर को मार के फेंक देते हैं और जो है गाड़ियों को चोरी कर लेते हैं। आर्य समाज गली के व्यापारी ने डोल नगाड़ों के बीच किया मिष्ठान वितरण। भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी
ठिकानों पर बमबारी कर उन्हें निस्ते नाबूद किए जाने की खुशी में आर्य समाज गली के व्यापारियों ने ढोल नगाड़ों के बीच जमकर झूमे। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर व्यापारियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये जो कार्यक्रम है ये हम देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, जो उन्होंने ये कार्य किया है उनसे ही ये उम्मीद थी। मोदी है तो मुमकिन है, पूरे देश के लोगों को मोदी का साथ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हो, और किसी और के गाते हैं उन्हें भी मोदी का साथ देना चाहिए। सरेराव युवक से मोबाइल लूटकर ले गए बाइक उचक के। थाना प्रेमनगर के सिलेक्शन पॉइंट पर चौकी के पास से बदमाश खुलेआम भाजपा कार्यकर्ता से मोबाइल छीनकर ले गए, जब तक वह कुछ समझ पाता उचक के बाइक लेकर फरार हो गए। इस मामले में पीड़ित ने थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना इज्जतनगर के सैदपुर हाकिस निवासी रिजवान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। साथ ही उनके प्रेमनगर थाने के पास LED बल्ब की दुकान है। शाम को वह पैदल ही दुकान पर जा रहे थे, इस बीच सिलेक्शन पॉइंट के पास दो युवक स्पेंडर बाइक से आए और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इस मामले में रिजवान ने थाना इज्जतनगर में बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है। वही घटना की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर काफी देर तक चेकिंग अभियान चलाया। इस बारे में जानकारी देते हुए रिजवान ने बताया, अभी मैं खाना खाकर यहाँ से जा रहा था ऑफिस के लिए अपने, एकदम अचानक कॉल आई, मैंने फोन रिसीव किया अपना और जब जा रहा था तो दो लोग बाइक पर स्पेंडर प्लस गाड़ी थी उसकी, बस नंबर प्लेट थी नहीं, वो लोग आए उन्होंने मेरे फोन छीना, एकदम झपट्टा मारा उस पर और फोन लेके फरार हो गए। आपने शिकायत वगैरह की पुलिस में? पुलिस ने शिकायत की, कह रहे हैं एक दिन का उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक दिन बाद आपको बताएंगे। इज्जतनगर में चल रहा चकला घर, पुलिस ने 5 लोगों को किया रंगे हाथ गिरफ्तार। काफी दिनों से पुलिस अधिकारियों को सूचना मिल रही थी कि गंगवार इनक्लब योगेश गोदाम वाली गली में कर्मचारी नगर के वैश्यावर्ती का काम धरने से चल रहा है, जिसको SPT अभिनंदन सिंह नेतृत्व में इज्जतनगर पुलिस द्वारा छापा मार कर कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लड़कियां 2 युवक व मकान मालिक को अपमानजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके पास से 7 अरब मोबाइल, 3500 रुपए आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। इस मामले का खुलासा करते हुए SPCT अभिनंदन सिंह ने बताया, बरेली में लगातार हम लोग का जो अभियान चल रहा है कि यहाँ जो चल रहे हैं सेक्स रैकेट्स पर हम लोग शिकंजा कसे हुए हैं, उसी क्रम में हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि जो मेन सरगना है यहाँ पर जो सेक्स रैकेट चलाता है विजय यादव, वो कर्मचारी नगर से ऑपरेट कर रहा है। तो इस पर हम लोगों ने एक टीम बनाकर वहाँ दबिश दी, हम लोगों को टोटल 6 लोग वहाँ पर इस काम में संलिप्त पाए गए, मौके से मिले हुए। उनके पास से 7 मोबाइल, 3500 रुपये नकद कैश और भी बहुत सारी आपत्तिजनक वस्तुएं मिली हैं जो कि इस चीज़ों में इस्तेमाल हो रही थी। तो जानकारी करने पर, पूछताछ करने पर ये पता चला कि विजय यादव है, ये कई और एजेंट्स के माध्यम से दिल्ली, बिहार, आसाम और अन्य जगहों से भी महिलाओं को बुलवाता है और फोर्सफुली उनको इस धंधे में लाता है। और भी कई सारे एजेंट्स के नाम सामने आए हैं जिसमें जिसको हम लोगों ने वांटेड किया है इसमें, और उनकी भी जल्दी ही गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पता है तो इससे ये चलता है कि इसके जो तार हैं सेक्स रैकेट वो काफ़ी दूर दूर तक गए हुए हैं, इसी हिसाब से हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को और विस्तार देंगे। जहाँ जहाँ तक हम लोगों को इनके नेटवर्क फैले हुए मिलेंगे वहाँ वहाँ पर हम लोगों की टीम भेजकर कार्रवाई करेंगे और इस पूरे रैकेट को नेस्तनाबूद कर देंगे। अभी विशेष सूचना, खबर देखने के लिए अपने मोबाइल के YouTube पर जाकर सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर संपर्क करें, फोन नंबर 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगा हॉस्पिटल, DD पुरम बरेली। समाचार से लही खत्म होते हैं, अगले बुलेटिन से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।